Dear student, as we have discussed about the regression, vocabulary used in the regression, we have discussed about independent variable and dependent variable. Then we have discussed about the importance of coefficient in regression analysis. Coefficient intensity batata hai ki yes, intensity is high or intensity is low. Coefficient ki significance ke baad, jo most important hai, that's R square. रिग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें आर स्केर दे रहा होता है. आर स्केर ये बताता है कि हाउ मच चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल आर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि इसकी वैल्यू आर स्केर की वैल्यू जीरो से वन तक लाई करती है. जीरो मीन्स कि आपके 0% कोई इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट में ट्रांसफर नहीं हो रही. इंडिपेंडेंट की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल 0% चेंज आ रहा है. इट मींस कि जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं ये कंप्लीटली इररिलेवेंट हो सकता है. एंड वन मींस कि 100% चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल में ट्रिकल डाउन हो रही है, या 100% चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल आर डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और जीरो और वन दोनों एक्सेप्शन केस हैं. कोई भी वेरिएबल ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो बिल्कुल इररिलेवेंट हो आपकी रिग्रेशन में, और कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं हो सकता जो दूसरे वेरिएबल में 100% कंट्रीब्यूट कर रहा हो. तो ये बेसिक साइंसेज में रिलेशन इतना स्ट्रांग हो सकता है. लाइक हम केमिस्ट्री की बात करें तो दो केमिकल के रिएक्शन से 100% सेम हमें रिजल्ट मिल सकता है, बट नॉट इन केस ऑफ सोशल साइंसेज, बट नॉट इन केस ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, बट नॉट इन केस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन डिसिप्लिन, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आती रहती है, इसलिए यहां पे हम एरर को भी इंक्लूड करते हैं. नंबर टू, आर स्केर की वैल्यू जिस तरह बताया जीरो एंड वन के दरमियान लाई करेगी, और इसकी वैल्यू इफ इट्स 0.47, इट मीन्स कि 47% चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल आर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिमेनिंग 53% आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन द मॉडल. अगर इसी मॉडल में आप एक और वेरिएबल इंक्लूड कर देते हैं तो वेरिएबल इंक्लूड करने से आर स्केयर की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और आर स्केयर की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है. अगर आपके पास दो वेरिएबल है, लाइक अभी हमने एग्जाम्पल ली कि पॉवर्टी इज अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू चेंज इन एजुकेशन पॉवर्टी चेंज हो रही है. इफ इट्स आर स्केयर वैल्यू इज 0.47, इट मीन्स के 47% चेंज इन पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड रिमेनिंग 53% चेंजेस इन पॉवर्टी आर बिकॉज ऑफ सम अदर वेरिएबल, दोज आर नॉट यूज इन द मॉडल. अब हम एक और मॉडल रिग्रेस करते हैं जिसमें हम लेते हैं पॉवर्टी इज अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. जिस वक्त हम इन दो को यूज करते हैं तो उससे आपका जो आर स्केयर है ये इंक्रीज हो जाएगा. लाइक इसकी वैल्यू हो सकता है आर स्केयर की 0.6 हो. अब इसका मतलब ये है कि जिस वक्त हमने हेल्थ को भी इंक्लूड कर लिया तो इसका मतलब है 60% चेंजेस इन पॉवर्टी आर बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, रिमेनिंग 40% आर नॉट एक्सप्लेन्ड इन द मॉडल. इसी तरह हम ले सकते हैं पॉवर्टी इज ए फंक्शन ऑफ एजुकेशन हेल्थ, देन हम एक और थर्ड उसमें वो वेरिएबल यूज कर सकते हैं, दैट्स एम्प्लॉयमेंट, कि जो जो इंप्लायमेंट ज्यादा होती जा रही है पॉवर्टी कम हो सकती है. तो आपका जब तीसरा वेरिएबल इंक्लूड किया तो आर स्केयर का नंबर और बढ़ गया 0.6 से, हो सकता है 0.7 हो जाए. जब 0.7 हो जाएगा तो इट मींस के तीन वेरिएबल की वजह से जो पॉवर्टी में चेंज आ रही है वो 70% है, और 30% जो पॉवर्टी में चेंज आई है इट्स नॉट एक्सप्लेन्ड इन द मॉडल. तो आर स्केयर की वैल्यू जितनी हाई होती जाएगी उतनी उसमें जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है वो ज्यादा होती जाएगी, और जितनी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी उतनी उसमें एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कम होती जाएगी. अब आर स्केयर की वैल्यू जो टाइम्स डेटा होता है उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत हाई होती है. जब हम क्रॉस सेक्शन एंड पैनल डेटा की बात करते हैं तो उसमें आर स्केयर की वैल्यू थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि इसमें बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. जो लास्ट थिंग होती है कि आर स्केयर हमें बताता है कि आप जो वेरिएबल ऐड कर रहे हैं वो रेलिवेंट है या इररिलेवेंट है. अगर अभी हमने एग्जाम्पल ली 0.47, अब अगर 0.47 है दो वेरिएबल इन केस ऑफ पॉवर्टी एंड एजुकेशन, आप एक और वेरिएबल इंक्लूड करते हैं एंड ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ न्यू वेरिएबल आपके आर स्केयर की वैल्यू 0.47 से कम हो जाती है. जब आर स्केयर की वैल्यू नए वेरिएबल को शामिल करने से कम होती है इट मीन्स वेरिएबल इज नॉट रेलिवेंट.
तो उस वेरिएबल को ड्रॉप कर देना चाहिए. अगर वेरिएबल को ऐड करने से आर स्क्वायर की वैल्यू हाई हो रही है तो इट मीन्स कि योर वेरिएबल इज रेलिवेंट विद पॉवर्टी या विद स्पेसिफिक केस ऑफ योर मॉडल. तो इसलिए हम आर स्क्वायर को वेरिएबल को इंक्लूड करने के लिए या वेरिएबल को एक्सक्लूड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं.